अब ये बहुत महंगा कॉलेज है, इसमें पढ़ पाओगे? बहुत फीस है, ताजमहल जैसा बगीचा है। मुझे भूख नहीं है। मुझे अरहर दाल, उसना चावल और माछ और बैगन भाजा बना है। अरे माँ, माँ मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं? मेरा मन नहीं है खाने का। क्यों नहीं खाना? बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। बोलते बहुत महंगा कॉलेज है, वहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। मुझे कुछ बनना है, मैं मुझे घर की हालात सुधारना है। मुझे क्या मालूम रे, तेरे बाबा रात दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खिलाते हैं। 2.5 बीघा जमीन है और राजेश्वर महतो के तालाब में मछली मारते हैं। उनको आने दो। संजय के बाबा, संजय पास हो गया। चलो बढ़िया है, अब नौकरी चाकरी करेगा। एक पाव चावल का भात खाता है, जाएगा पढ़ तो दिया, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब पढ़ेगा, नौकरी करेगा। नहीं, वो बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा, बोकारो या चंदन कियारी के कारखाने में काम करेगा। अरे इतना पढ़ा दिया, अब हो गया, अब उतना अब कुछ नहीं हम आगे पढ़ा पाएंगे। अब नौकरी उकरी जो है हम देखेंगे, तो उसका दोस्त वोस्त है उसके यहाँ ले जाके हम पकड़ाएंगे उसको, ठीक है? उसको बोल देती है बाबा, मैं कुछ भविष्य इंजीनियरिंग पढ़ना करना चाहता हूँ बाबा, मैं कुछ बनूँगा, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अब ऐसा मुश्किल से हमने पढ़ाई किया, आगे पढ़ना चाहते हैं। मछली बिक नहीं रहा है, सब्जी बिक नहीं रहा है, तुमको हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे? हाँ, इतना गरीबी में तुमको यहाँ तक पढ़ा दिए हैं वही बहुत है। और तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त लोग जा रहा है उसके साथ जाओ, नौकरी चाकरी कर लो। नहीं है, आप समझते रहिए बात को। ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं, आप अल्लाह मत करिए। आप संजय, क्या हो रहा है? कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट इन द पास लेवल। तुम्हें भी, तुम भी तो लड़की में अवसर अव्वल आई हो। तुम क्या हुआ, उदास लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार क्या बोले, तो क्या करूं यार, घर से आते वक्त समय एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, अब वहां के पढ़ाई करना चाहता हूं, जो हाई स्कूल में सीखा विज्ञान की कक्षा में उसका प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन बाबा की मानते नहीं। अरे मैं अपना भविष्य बनाना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन बाबा मान नहीं रहे मेरी बात को। हम लोग गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा चास बोकारो से आए हैं,
और आपके गांव के लिए उन्नत भारत अभियान 2.0 MHRD नई दिल्ली लेकर आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार हुआ, मैं इस कॉलेज का डायरेक्टर हूं और हमारे साथ हैं महमूद आलम सर जो कि उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आपके गांव में संपर्क साधने के लिए आए हैं। इसमें मुख्य दो तीन बात ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो सबसे पहली बात कि जो ये अभियान का मकसद है, पहले तो सर्वे करना, सर्वे करके डिफरेंट प्रकार का ये अंदाज़ा लगाना कि गांव में कितने लोग हैं, कितने उसमें पढ़े लिखे हैं, कितने घर में टीवी है, कितने घर में नहीं है मोटरसाइकिल। ठीक है, आपके इस कदम से सर गांव वाले को, गांव के बच्चे लोग को उत्साह मिलेगा और ये लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे ऐसा विश्वास है। और किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है सर? थैंक यू। Thank you.
बताइए। सर, मेरी बहन भारती ने आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए सैट की परीक्षा पास की है, लेकिन हमारे पिताजी नहीं चाहते हैं कि ये आगे कॉलेज में पढ़े। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। सर, मैं इतना तो नहीं पढ़ पाई और माँ की भी इच्छा है कि आगे पढ़े, लेकिन हमारे पिताजी नहीं चाहते हैं कि आगे पढ़े। वे पुराने ख्यालातों के हैं उनका। देखिए, हमारा जो कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा चास बोकारो, एक AICTE अप्रूव इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से एफिलिएटेड है। 4 साल की बीटेक की डिग्री मिलती है, जिसमें अगर भारती का नामांकन आप कराते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं कर सकता। इसने सेट पास कर चुकी है तो इसको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और यहाँ पे गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए हॉस्टल भी है और को एजुकेशन है। हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ दी जाती है, पढ़ाई की लेबोरेटरी भी अच्छी है और शैक्षणिक माहौल बहुत अनुकूल है। झारखंड का परिक्षेत्र का ये बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है सर, मैं माँ पिताजी को राजी करती हूँ और फीस के बारे में तो संजय ने पहले ही बता दिया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर इतना अच्छा बताने के लिए और प्लीज आप अकाउंट को अनाउंस कर लेना सर। भक्ति की खुशबू बहुत दूर से ही पता चल जाता है, इसलिए मुझे पता था कि आज आप मिलने आएंगे विजय साहब। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। देखिए ना, लूट और सफेद अफसरों का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो लोग गुजप्पन और इससे भी क्या बोलते हैं गब्बर सिंह से भी डरने नहीं लगे। इतना भी नहीं है, उसका उपाय है कुछ। ये है मेजर MP सिंह आलूवालिया, बगल के गांव से हैं। इनके बड़े भाई बलबीर सिंह हैं, ये भी कश्मीर में पोस्टेड हैं। उधर साहब, ये हमारे गांव के राजकुमार सिंह चौधरी हैं, झारखंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये अकाउंटेंट हैं। अब इनका बारी। देखिए सर, लूट आतंक सफेद पोशाक धारकों का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो लोग गप्पन से और गप्पन सिंह से भी नहीं करते हैं। जीतना भी नहीं है, इसका उपाय है। आप तो बोलने में भी डरते हैं सर जी। जब लोगों को उच्च शिक्षा जब मिलेगा तो ये भ्रष्टाचार कम होगा, इसलिए लोग अच्छा पढ़ें, बच्चों को आगे पढ़ाना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। तो जो सरकारी योजनाएं हैं
उसमें जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा। अरे कहाँ चले आ रहे हो, खाली हाथ? तालाब में कहाँ से मछली उछली? नहीं मजदूरी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, खड़ा मत रहो। अच्छा बेटा कहाँ थे इतना दिन? आओ बैठो, बहुत दिन से तुमको नहीं देखे थे। क्या बताएं चाचा, पूरे गांव जवार में आपके बारे में बातें हो रही है। लोग कहते हैं कि माँ तो बाबू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी लड़की को कॉलेज में पढ़ाने भेजेंगे, वो भी हॉस्टल में रहेगी। राम 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 राम। ऐसा हम नहीं कह रहे चाचा, ऐसा तो गाँव वाले कह रहे हैं। गाँव वाले को कैसे चुप करें चाचा? कहते हैं नाम कटवा दे उसका, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि उन्नत भारत अभियान के लोग आए थे और गांव के साथ साथ सभी को समझाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब जैसा ठीक समझो चाचा, हम चलते हैं। अरे चाचा यहाँ बैठे हुए क्या बात है? ऐसे ही बैठे हैं शांति से। सुने संजय को कॉलेज भेज दिए हैं? हाँ वो बोल रहा था बहुत तरीके से इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग हम जाओ करो। क्या कर सकते, कहाँ इंजीनियरिंग करेगा चाचा, आपको तो उसके चक्कर में दुगना काम करना पड़ रहा है। तो पढ़ ही रहा है उसमें, हम क्या उसको समझाएंगे। अब देखिए ऊपर से BSL में पेमेंट का दिन था तो हम दुगना दाम में सब्जी बेच के आए, 700 रुपया कमा लिए हैं। वाह क्या कर रहा है आपका लड़का? वे सब क्या क्या कर रहा है हमको भी नहीं बुझाता है। अरे तो माता बाबू भी तो अपना लड़की को भेजे ही हैं। अरे महत्व बाबू कहाँ महत्व बाबू करते रहते हैं, देखा नहीं कैसे आपको उस दिन इतना लोग के सामने जलील कर दिए। तो है ये ये बात याद रखिएगा चाचा कि जब मालिक 10 के सामने जलील करने लगे तो समझ जाइए कि दिया में तेल कम। जो है होगा, जो ऊपर वाला का बना हुआ है लिखा हुआ है हो गए करेगा क्या। हम तो बोलते हैं चाचा संजय को हमारे साथ भेज दीजिए विशाखापट्टनम में, खूब कमाएंगे दोनों मिलकर। ठीक है चाचा चलते हैं। तुम चल जाओ अब विशाखापट्टनम, ठीक है? सब गांव का लड़का लोग छोकरा सब जा रहा है, वहाँ जाओ और थोड़ा हमारा मदद करो। क्या काम करना पड़ेगा वहाँ? वहाँ जो काम होगा जो मजदूरी होगा, बड़ा बड़ा इमारत सब बनते रहता है, वहाँ जाओ करो। यहाँ क्या करेगा, हो गया ना जितना इंजीनियरिंग करना था करा दिया तुमको, ठीक है? तुम निकल जाओ, शाम को हम माँ को बोल देंगे, लिट्टी बना देगी, लेके तुम चले जाओ, ठीक है? बाबा मैं विशाखापट्टनम नहीं जा रहा, मुझे कहीं जाना यार। 200 बच्चा इंजीनियरिंग का और 200 बच्चा पैसे कमाऊंगा, मुझे प्लेसमेंट मिल रहा मेरा। आप समझिए बात को, हम कहीं जा रहे थे 2 साल बाद की मेरा इंजीनियरिंग का, उसके बाद नौकरी लग जाएगा मेरा, फिर आपको पैसा दूंगा मैं। जा जो करना है करो। हाँ ठीक है।
संजय तुम यहाँ? बाबा गुस्सा करेंगे। क्षेत्रीय निदेशक जियाडा बोकारो कृति श्री ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा बोकारो का दौरा किया और उन्होंने कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद से उन्होंने कॉलेज के MBA विभाग द्वारा जारी किए गए एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट एड ऑन कोर्सेज का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और कॉलेज के छात्रों से संवाद किया। बेसिकली आज का जो मेरा विजिट था, एक तो कॉलेज में एक इंडस्ट्री प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो गैप ब्रिज है उसका एक कोर्स इनाग्रेशन के लिए, एंड क्योंकि मैं बियाड़ा एरिया में देख रही हूँ कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करें ताकि जो ह्यूमन पावर का जो क्रंच है या जो टेक्निकल ह्यूमन पावर का जो कमी है वो हम लोग कैसे दूर सके कर सके विथ कोलैबोरेशन, वो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। Intellectual rights, and this pertains to all of us. हम जितना भी चाहें और जितना हमसे प्रयास हो सकेगा सब लोग हम हाथों से हाथ मिला के आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। व्यवहारिक बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी जब से अस्तित्व में आई है तो हमारा जो स्टार्टअप आइडिया है एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप आइडिया बेस्ड है, इसका नाम फर्स्ट हार्वेस्ट है। हमने फील्ड वर्क किया, हमने देखा कि जो किसान है उन्हें अपने अनाज उगाए उनका सही दाम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे रीजन्स है इसके पीछे, मल्टीपल मीडिएटर्स है, अनऑर्गेनाइज मंडी सेक्टर्स है, रीजंस और भी है। यहाँ कहाँ बैठे हुए? बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप? बता दीजिए। चलेंगे बाद में जाएंगे। कहाँ हुआ बाबा? हमको इंटर्नशिप लग गया बाबा, इंटर्नशिप लगा है। इंटर्नशिप उगाता है मतलब कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमको कंपनी वाला ट्रेनिंग के लिए रखा है, हमको 6 महीना का ट्रेनिंग दिया हमको और पैसा भी देगा हमको। अच्छा कितना? इंटर्नशिप की हमको 6,000 रुपया दिया, 6,000 रुपया। और हम कब काम भेजते थे विशाखापट्टनम काम करने के लिए, लीजिए पैसा, रखिए पैसा, समझे? वाह ठीक है, बढ़िया किया है, बढ़िया किया है, ठीक है, माँ को बोल देंगे।
बात है।
हमारे तरफ से आपको बधाई हो। हम कहते हैं कि ये रिश्ते को आप लोग मंजूर कीजिए, दोनों समझी बढ़िए, आप लोगों की मुबारक को क्या मिले। हाँ सर, ये बहुत सही मौका है आप लोग। यदि दोनों खुश रहते हैं तो हम लोग को मिलकर शादी करने में ही भलाई है, क्योंकि दोनों बच्चे आगे। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। अरे प्रणाम चाचा। अजय मोदक तुम यहाँ? सर ये मेरे गांव का ही है अजय मोदक। इसके फादर दादा जी पहले रखे थे बस स्टैंड से आगे, फिर बाद में विस्थापित हो गए, तो अभी ये लोग इस गांव में बसे हुए। अरे अजय तू तो विशाखापट्टनम चल गया था, कब कब आ गया वापस? विशाखापट्टनम से तो हम लौट गए हैं वापस। कहाँ है? पहले क्या होता था कि हमें अपना सामान जो है बिचौलियों को बेचना पड़ता था। अच्छा, वो ये सब बिचौलियों को बेचना पड़ता था। हाँ, सब्जी वगैरह बिचौलियों को बेचना पड़ता था, लेकिन अब नए ऐप की मदद से अपना सामान हम लोग ने एक ऐप बनाया है सर, उसको प्राइज भी मिला है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुवांशिकी प्रोग्राम में, उसको प्राइज भी मिला। उसी ऐप की मदद से मैं अपने सब वही ऐप बेच सकता हूँ। समस्याओं का समाधान हो गया सर? हो गया, मैं राजी हो गया हूँ। अब उनकी इच्छा पर है कि कितना साल देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी हम लोग की तरफ से। धन्यवाद सर, आपने हमारी समस्या का हल निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। आइए परिवार की सारी व्यवस्था करते हैं।